हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सिंह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएन क्लासेस। फ्रेंड्स, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। इसी तरह अपना रिस्पांस और प्यार बढ़ाए रखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अभी तक किसी कारणों से सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो नीचे देखिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के जस्ट नीचे ही सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, उसे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद एक छोटी सी बेल यानी कि घंटी बनकर आएगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपका बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट ये है कि जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसका मैसेज या उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियोस को आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही ये दिखाता है कि आप कितना सपोर्ट हमें दे रहे हैं। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, इसमें हमने देखा था आर्थिक व्यवस्था का मापन यानी उसे मापा कैसे जा सकता है। आज हम देखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। यानी कुछ फैक्टर्स तो डायरेक्टली आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं हमारी आर्थिक व्यवस्था को, तब अगर हम ये नहीं जान पाए तो हम ये रणनीति कैसे बना पाएंगे कि हम क्या रणनीति बनाएं, क्या मतलब एजेंडा रखें, एक साल का क्या लक्ष्य रखें कि अगर हम ये रखेंगे तो हमें आर्थिक विकास प्राप्त हो जाएगा। तो उसको जानने के लिए कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं, यह आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि मैंने देखा बताया, ये आर्थिक कारक है और ये अनार्थिक कारक है। ये डायरेक्टली आर्थिक यानी पैसे पूंजी इनसे संबंधित है, और ये पैसे या पूंजी से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, लेकिन ये फैक्टर्स भी बहुत जरूरी होते हैं। तो इसमें देखिए, अनार्थिक कारक में पहला है सामाजिक घटक, दूसरा है राजनीतिक घटक, और तीसरा है धार्मिक घटक। और इसे हम बाद में जानेंगे, क्योंकि ये छोटा है इसलिए पहले इसे कवर कर लेते हैं। जो सामाजिक घटक है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे मान लीजिए हमारा समाज किस तरह से है, कितने प्रतिशत लोग उसमें क्रियाशील हैं, कितनी प्रतिशत निर्भर जनसंख्या है, और कितने मतलब कितनी साक्षरता है। समाज जब हमारा उत्तम किस्म का होगा और वो अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने में अपना माइंड लगाएगा, तो हमारा समाज जो है वो अच्छा होगा। जब हमारा समाज अच्छा होगा, साक्षर होगा, तो ही वो आर्थिक विकास को प्रभावित कर पाएगा। यानी इस तरह से हमारा ये जो सामाजिक घटक है वो प्रभावित करता है। अब देखिए, ये जो राजनीतिक घटक है, राजनीतिक घटक का मतलब होता है जो राजनीतिक पार्टियां हैं या हमारी संसद है वो कुछ इस तरह के एक्ट्स लाए जो हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करें। मतलब उनकी नीतियां वो बेवजह की बहस टिप्पणीबाजी ना करें, बल्कि देश के विकास में अपना योगदान दें, इस हिसाब से नीतियां लाएं, उस पर डिबेट करें। अगर ये सब कर रहे हैं, धर्म और इन सब मुद्दों में नहीं फंस रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी राजनीतिक घटक जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अच्छे से वर्क कर रही हैं। जब वो अच्छे से वर्क करेंगी और नई नई योजनाएं ले आएंगी, तो वो योजनाएं क्या करेंगी, हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करेंगी। अब देखिए, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन ये है कि मतलब राजनीतिक घटक में, वो क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता था, लेकिन मैं यही पूछ लेती हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी कौन सी योजना है जिसका संबंध डायरेक्टली आर्थिक विकास से है। ऐसी कौन सी योजना उन्होंने लागू की है जो डायरेक्टली आर्थिक विकास से संबंधित होती है, यानी उन्होंने आर्थिक विकास के लिए वो योजना लागू की है, कमेंट करके बताइएगा। नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर दूंगी। अगला है धार्मिक घटक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी एक देश को मतलब शरण नहीं दी गई है। यहाँ पे बहु कि धार्मिक लोग रहते हैं, सभी धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा। अगर हम साथ मिलजुल कर रह रहे हैं और एक दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जब हम एक दिशा में बढ़कर धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट को हटा करके काम करेंगे अच्छे से, तो हम आर्थिक विकास पे पहुंचेंगे, आर्थिक विकास के लिए ये सहायक होगा। तो इस तरह से हमारा ये तीनों टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसको मैंने जैसा बोला है वैसा ही आप नोट कर लीजिएगा, और इन सब चीजों को नोट करते चलिए। मैं जैसा बोलती हूँ लाइन टू लाइन वैसा लिखते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है आपके। अब हम आते हैं आर्थिक घटक में। आर्थिक घटक में हमारा पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है श्रम शक्ति यानी जनसंख्या कह सकते हैं उसे, तीसरा है पूंजी निर्माण, चौथा है पूंजी उत्पादन उत्पादकता अनुपात, और फिर तकनीकी प्रगति और आधारभूत संरचना। माली मतलब आर्थिक घटक में इतनी सारी चीजें मिल करके आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए एक और बात, चूंकि अगर ये पूरा मैं एक ही वीडियो में समझा देती
समझाना चाहूँ तो समझा दूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसे दो भाग में डिवाइड किया है। पूंजी निर्माण तक, यानी ये तीन फैक्टर्स मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद का जो अगला वीडियो होगा उसमें ये तीन टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है बिल्कुल मिस मत करिएगा इसे। तो आइए हम अपना पहला देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त होते हैं, यानी नेचुरली हमें मिले होते हैं। अब आज के जो देश हैं, थोड़े भी डेवलप है अगर या विकासशील है, डेवलप कर रहे हैं, उनकी नीति यही, कूटनीति यही होती है। जब वो विदेश नीति बनाते हैं तो उसमें वो कूटनीति यही रखते हैं कि किस देश से वो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों को प्राप्त कर सके, पा सके। देखिए जो तीन देश है, मेनली तीन देश है तो और भी, लेकिन यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, ये कंट्रीज में प्राकृतिक संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा में है। जब आपके पास प्राकृतिक संसाधन होगा, यानी कि कह सकते हैं कच्चा माल होगा, तो आपको उत्पाद उत्पाद बनाने में ज्यादा समस्या नहीं होगी, और फिर उसको आप सेल करके आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये देखिए कि जब जिस देश में प्राकृतिक संसाधन होगा उसी देश में आर्थिक विकास अच्छे से हो सकेगा, यानी जो अल्प विकसित देश है उन पर कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये माना जा सकता है कि अल्प विकसित देशों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। और जब भी हमारे प्रधानमंत्री कहीं किसी देश के पास जाते हैं कोई भी समझौता करने, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ ना कुछ समझौता ऐसा होता है जो प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड होता है, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, चाहे किन्हीं चीजों का हो। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संसाधन किस तरह से मतलब आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, ये हमने देख लिया। अब अगला है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति का मतलब क्या है? एक तरह से जनसंख्या, हमारे पास कितनी श्रम शक्ति है। जैसा आपने पढ़ा भी होगा और मोदी जी को भाषण देते हुए बार बार सुना भी होगा कि भारत एक युवा देश है। युवा देश का मतलब क्या है? यहाँ पर जो युवाओं की जनसंख्या है, यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है, वो ज्यादा है डिपेंडेंट जनसंख्या से, यानी बच्चों और वृद्धों से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की जनसंख्या है। अब ये जनसंख्या दो तरह से कार्य कर सकती है। पहला तो ये अपने देश के लिए, किसी भी देश की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ भारत की ही नहीं, एग्जाम्पल आपको भारत का दे रही हूँ कि कोई भी किसी भी देश में जब देखिए, मान लीजिए जनसंख्या है, अब वो दो तरह से कार्य कर सकती है युवा जनसंख्या। या तो वो देश के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, योगदान दे सकती है विकास में, दूसरी साइड वो नहीं योगदान दे सकती है, देश पर बोझ हो सकती है। ये दोनों कब होगा? जब मान लीजिए हमारे देश की जो जनसंख्या है वो साक्षर है। साक्षर मतलब क्या? सिर्फ नाम लिखकर हस्ताक्षर कर लेना साक्षरता नहीं है। स्पेशली हम उसको साक्षरता की डेफिनेशन भी यही दे देते हैं, लेकिन हमें शिक्षित होना है। शिक्षित जनसंख्या विकास में योगदान देती है, सिर्फ साक्षर जनसंख्या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जब सिर्फ साक्षर ना होकर बल्कि शिक्षित भी होती है, यानी उसके पास अच्छी शिक्षा होती है, तकनीकी शिक्षा होती है, जिसे वो अपने विकास में या किसी उत्पादन में लगा सकती है, वो जनसंख्या क्या करेगी? जब अपनी जॉब करेगी या आत्मनिर्भर होगी तो वो क्या करेगी? देश को, देश के लिए संसाधन के जैसा कार्य करेगी। अगर वहीं पर जनसंख्या बेरोजगार है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, देश को ही उसका खर्च वहन करना पड़ रहा है, तो क्या होगी? वो जनसंख्या निर्भर जनसंख्या हो जाएगी। कार्यशील जनसंख्या तो होते हुए भी वो देश के ऊपर निर्भर हो जाएगी। तो जो ये श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति का लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हम जनसंख्या को जो है अपने साक्षर शिक्षित बनाए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया था प्रधानमंत्री वाला, वो डायरेक्ट इसी से लिंक होता है कि कैसे, कौन सी योजना प्रधानमंत्री ने लाई थी जो मतलब श्रम शक्ति को, हमारी जो श्रम शक्ति है उसको एक तरह से कहते हैं एक्टिव बनाती है, या आर्थिक विकास के में योगदान करने के लायक बनाती है। कौन सी ऐसी योजना है वो आप हमें बताइएगा। और फ्रेंड्स एक बात और आपको बता दूं कि श्रम शक्ति जो है, जैसे कि मान लीजिए जो 0 से लेकर 14 वर्ष के लोग होते हैं, ये मैंने लिखा जनांकिकीय लाभांश इसके अंतर्गत आता है। जनांकिकीय लाभांश क्या होता है? यानी कि कितने परसेंट ऐसी जनसंख्या है जिनका लाभ जो है वो आर्थिक विकास को मिल रहा है। लाभ इन द सेंस ये नहीं कि जो निर्भर जनसंख्या है उनसे हमें कोई लाभ नहीं है, लाभ है, लेकिन जैसे कि वो डायरेक्टली आर्थिक विकास से नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि उनका रख रखाव करने के लिए देश को उनका खर्च उठाना पड़ता है। देश को क्या, मान लीजिए किसी परिवार को ही, आप जो है मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या है, मान लीजिए आपकी साक्षरता पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने नेट क्वालिफाई कर लिया या कुछ भी कर लिया है, एमएससी वगैरह कर लिया, लेकिन आप जो है, आप या मैं ही कोई भी कोई ऐसा जॉब कर रहा है जो उसकी योग्यता के अनुसार नहीं है, मतलब
कुछ पैसों पर काम कर रहा है, अपनी सेवाओं को बेच रहा है, चाहे गेट कीपर या कोई भी ऐसा काम जो उसकी साक्षरता पे निर्भर नहीं करता, तो इसका मतलब उसे हम रोजगार नहीं मान लेंगे, उसे हम बेरोजगार जनसंख्या ही मानेंगे। तो रोजगार का मतलब ये नहीं होता है, रोजगार का मतलब साक्षरता के अनुसार रोजगार होना। जब साक्षरता के अनुसार रोजगार होगा तभी हम मानेंगे कि हमारी जनसंख्या कार्यशील है। तो अब हम आइए जनांकीय लाभांश की बात कर रहे थे, उसमें देखिए लिखा है कि जब किसी भी देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाए, यानी कार्यशील जनसंख्या की संख्या ज्यादा हो, कार्यशील जनसंख्या होती कितने से कितने बीच है, देखिए 15 साल से लेकर 59 ईयर, यानी लगभग 60 मान सकते हैं, लगभग 60 साल तक की जो जनसंख्या होती है उसे हम युवा या कार्यशील जनसंख्या मानते हैं। इसी जनसंख्या का भारत में इस समय ज्यादा प्रतिशत है। इसलिए भारत अगर साक्षरता अच्छे से शिक्षित हो जाए, टेक्निकल शिक्षा उसके पास हो और योगदान दे, तो आर्थिक विकास भारत का बहुत ज्यादा हो सकता है। उसके बाद देखिए, जब इस जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाए, ये जो एरो मैंने लगाया है ऊपर की तरफ, इसका मतलब होता है बढ़ जाए, अनुपात बढ़ जाए। और निर्भर जनसंख्या, निर्भर जनसंख्या कौन सी होती है, 0 से 14 साल की, क्योंकि ये काम करने के बच्चे योग्य नहीं होते, ना इनसे काम करवाया जा सकता है, ये कमजोर होते हैं। और 60 साल से अधिक के लोग, इन्हें आराम की आवश्यकता होती है, इनसे भी हम काम नहीं ले सकते, यानी कि ये निर्भर जनसंख्या है देश पर। तो जो निर्भर जनसंख्या अनुपात जब घट जाता है तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ जाएगी। उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, जब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या काम करेगी, कार्यशील होगी, जो कि 15 से 60 वर्ष के बीच या 59 वर्ष के बीच की जनसंख्या है, जब वो कार्य करेगी ज्यादा से ज्यादा, तो वो देश के लिए उत्पादन करेगी। जब उत्पादन करेगी तो कुछ वो खर्च करेगी और कुछ सेविंग करेगी। जो वो सेविंग करेगी तो सेविंग भी उसकी बढ़ी हुई होगी, और उस सेविंग को फिर वो इन्वेस्टमेंट में लगा सकती है, लगाएगी। तो इस तरह से जब कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है देश में, तो हमारी उत्पादकता और बचत भी बढ़ जाती है। जब उत्पादकता और बचत भी बढ़ जाए तो क्या होता है, जनांकिकीय लाभांश होता है, यानी हमें जनसंख्या का फायदा मिल रहा होता है, इसी को जनांकिकीय लाभांश कह सकते हैं। आपको लिखने के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। जब किसी देश की कुल कार्यशील जनसंख्या 15 से लगभग 60 या 59 ईयर्स का अनुपात बढ़ जाता है, और निर्भर जनसंख्या 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या का अनुपात घट जाता है, तो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और बचत दोनों ही बढ़ जाते हैं। इस स्थिति को ही हम जनांकिकीय लाभांश कहते हैं। इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे लिख तो सभी लीजिए, नोट्स बना लीजिए आप। अगला है हमारा पूंजी निर्माण। पूंजी क्या है, मान लीजिए कि हम कुछ कमा रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे हैं या कुछ भी कमा रहे हैं, इतना हम कमा रहे हैं, उसमें से हमने 8 रुपए 7 रुपए खर्च कर दिया, 2 रुपए 5 रुपए अपनी क्षमता के अनुसार बचा लिया। तो जो बचा हुआ धन है उसे जब हम किसी कार्य में इन्वेस्ट करते हैं तो वही इन्वेस्टमेंट हमारा क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तो पूंजी का निर्माण उसे कहते हैं। तो जब भी देश पूंजी का निर्माण करेगा तो वही देश आर्थिक विकास को प्राप्त करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा बचत करे। बचत कब करेगा, जब जनसंख्या कार्यशील होगी वो बचत करे, फिर उस बचत को इन्वेस्टमेंट में करे। ऐसी हमारी एक संस्था है जो हमारा ये कार्य करती है, जैसे कि बैंक। बैंक में हम अपनी सेविंग्स डालते हैं, डायरेक्ट अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर पा रहे तो भी हमारे पैसे का इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे, हम बैंक में अपनी सेविंग्स को डालते हैं, वो सारी जितने भी लोगों की है सेविंग्स को इकट्ठा करके बड़े जो उद्योगपति हैं उन्हें वो ब्याज पर दे देती है। और ब्याज पर जब देती है तो वो उद्योगपति क्या करते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं या कुछ भी उससे ऐसा कार्य करते हैं जिससे देश के लिए उत्पादकता होती है। तो क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है, यानी हमारी पूंजी बढ़ रही है जो आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अब देखिए, मैंने लिख दिया है पूंजी निर्माण क्या होता है। पूंजी निर्माण से अर्थ बचत करने एवं उस बचत को उद्योग में विनिवेश करने से है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि आप जो बच अब कुछ जनसंख्या ऐसी है या कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खर्च करना जानते हैं, बचाते ही नहीं है। अगर 10 रुपए कमाए तो पूरे 10 के 10 उड़ा दिए, बचत के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में सोचना ही नहीं है। तो वो लोग इस श्रेणी में नहीं आते हैं, वो लोग अपने देश के लिए कोई भी आर्थिक विकास नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने देश के लिए या अपने हित के लिए भी कुछ सेविंग्स करना बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने डेफिनेशन बता दी। लिखा है देखिए, यदि किसी देश में बचत और पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है
तो वो देश अल्पविकसित होगा। क्यों अल्पविकसित होगा? जाहिर सी बात है, जब पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उत्पादकता नहीं होगी, तो वो विकास नहीं कर पाएगा, पूंजी निर्माण नहीं होगा और सेविंग नहीं कर पाएगा। पहला तो सेविंग ही है, सेविंग नहीं किया तो पूंजी निर्माण नहीं हुआ, पूंजी निर्माण नहीं हुआ तो उत्पादकता नहीं बढ़ी, उत्पादकता नहीं बढ़ी तो देश का विकास नहीं हुआ। ये फैक्टर मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब आगे ये देखते हैं आगे क्या है कि पूंजी निर्माण के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्या? पहला तो हमारा बचत होना चाहिए, हमें सेविंग करना चाहिए, उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकेंगे। दूसरा हमारा क्या है कि बचत के गतिशीलन हेतु वित्तीय संस्थाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान पैसे को बचाकर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? या तो उसकी मात्रा कम होती है पैसे की, उतने मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, या तो हर इंसान इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता नहीं है, वो नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें कुछ वित्तीय संस्थाओं की जरूरत होती है, जैसे कि हमारा बैंक है, और भी है, जैसे हमारा बैंक है, बैंक क्या करता है, हमारी सेविंग्स को लेकर के इन्वेस्टमेंट करवाता है। तो इसलिए गतिशीलन यानी बचत के गतिशीलन के लिए, जब वो गति में आ जाए, आपके इन्वेस्टमेंट में लग जाए, गतिशीलन के लिए वित्तीय संस्थाओं की जरूरत होती है। फिर बचत का विनियोग यानी कि वो इन्वेस्टमेंट में लग जाए, चाहे वो किसी उद्योगपति द्वारा लगे या किसी के द्वारा लगे, यानी बचत का पैसा जब इन्वेस्ट होने लगे, तो इन तीन चीजों की हमें जरूरत होती है पूंजी निर्माण करने के लिए। अब देखिए योजना आयोग ने एक डेफिनेशन दी है पूंजी निर्माण से संबंधित। आइए देख लेते हैं वो डेफिनेशन क्या है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सही बात है, जब देश में ज्यादा से ज्यादा कार्यशील जनसंख्या होगी और वो अपनी पूंजी का बचत करेंगे यानी पैसे को बचाएंगे, तो ही तो आगे सारा इन्वेस्टमेंट या कोई भी काम हो सकता है। तो इसलिए किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? पूंजी पर निर्भर करता है कि पूंजी कितनी है उस देश के पास। जिस देश के पास जितनी कम पूंजी, उस देश का उतना ही कम विकास। उपलब्धता पर निर्भर करता है आय एवं रोजगार अवसरों की वृद्धि तथा उत्पादन पूंजी के अधिकाधिक निर्माण में निहित होती है, यानी कि आय और रोजगार अवसरों की वृद्धि। मान लीजिए उत्पादन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उससे क्या लगता है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट है या उद्योगपति या कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, मान लीजिए मैं भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ छोटा सा, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? मैं अपने फायदे के साथ साथ और लोगों का भी फायदा कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने यहाँ रोजगार पे लोगों को रखूंगी, उन्हें मैं आय का वितरण करूंगी। तो उससे क्या हुआ, दो चीजें बढ़ी कि रोजगार के अवसर तो बढ़ ही जाते हैं, साथ में आय में भी वृद्धि होती है। तो ये जो पूंजी उत्पादन है वो, और उत्पादन भी हमारा बढ़ता है, आय बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पूंजी निर्माण में अधिकाधिक सहयोग करते हैं, उसमें निहित होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और देखिए एक बुक है, फेमस बुक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये पूछा है एग्जाम में कि ये किसकी बुक है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, ये ई एफ सुमाखर की बुक है। ई एफ सुमाखर की ये बुक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स मैंने इसका तीन समझा दिया, अभी तीन समझाना बाकी रह गया है, वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। कोशिश मैंने की है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, ताकि देखते ही आपको ये याद हो जाए और समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा और सराहनीय लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिएगा, ताकि मैं समझूं कि हाँ आपकी सहमति है मेरी बात में। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।